आज कनाडा ने ना एक बहुत ही वो होता है ना कि टेंशन, इंडिया से इतनी बड़ी टेंशन दिखाई है। उनके हाई कमीशन ने ये बयान दिया है कि भाई हमें जो खतरा है आने वाले टाइम के अंदर वो इंडिया से है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी जिस तरह से बूस्ट अप कर रही है आने वाले टाइम के अंदर जितने भी सारे के सारे मफाद है वो इंडिया की तरफ मुड़ते हुए हमें नजर आ रहे हैं, हमें खतरा नजर आ रहे हैं अपनी इकोनॉमी के लिए। ये सारी दुनिया को खतरा नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी पीएम मोदी की जीत पर बधाई दी, लेकिन सिर्फ अमेरिका ने बधाई ही नहीं दी बल्कि अमेरिका पीएम मोदी के जीत पर कुछ अलग तरीके से जश्न मनाना चाहता है। जितनी तरक्की इंडिया कर चुका है, इंडिया के बल्कि आप पब्लिक को देखें वो मेहनती लोग हैं, ठीक है। और सबसे बढ़ के ये कि इंडिया के काफी सारे ममालिक ऐसे जहां उनके वीजे फ्री हो चुके हैं, ठीक है। और पाकिस्तानी हमारे जो पाकिस्तान है हमें तो जहां फ्री वीजा वहां पैसे दे के भी वीजा नहीं मिलता है, जहां से आप खुद सोच सकते हैं कि किसकी वैल्यू ज्यादा है। लिहाजा अमेरिका ने पीएम मोदी की इस धमाकेदार जीत का जश्न मनाने की बढ़ चढ़ के तैयारी शुरू कर दी है। न्यूयॉर्क, जर्सी सिटी, वॉशिंगटन, बोस्टन, टॉम्पा, अटलांटा, हॉस्टन, डलास, शिकागो, लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को जैसे शहरों में पीएम मोदी के तीसरे शपथ ग्रहण समारोह का जश्न मनाया जाएगा। जरूरत तो पाकिस्तान को है ना, पाकिस्तान के अगर रिलेशन इंडिया से बेहतर होंगे तो हमारी ट्रेड होगी या और भी जो मामला बेहतर होंगे तो पाकिस्तान, इसमें फायदा तो पाकिस्तान का है। हाँ बिल्कुल, अब जो पाकिस्तान की कंडीशन है, जो पोजीशन है इस वक्त, तो मतलब ज़रूरी था कि एक नेबर्स कंट्री के साथ अच्छे टाइज बनाए जाएं और एक ट्रेड को प्रमोट किया जाए। और हम तो ये माजरत के साथ भीख मांगते फिर रहे हैं और उनको तो इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। हमारे फॉरेन रिजर्व देखें 10-12 बिलियन से ऊपर नहीं जाते और उनके 650 से भी ऊपर हो चुके हैं, तो बहुत फ़र्क है। हम मुकाबला तो ख़त्म हो गया ना, अब तो मुकाबला तो हमारा है ही नहीं, हम तो सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं इस वक्त। जी इसमें कोई शक नहीं है, ये 100% आपकी बात दुरुस्त है। इंडिया के ऊपर एक बयान देता है कनाडा का कोई भी जो बयान दे रहा है, अब उसके ऊपर इंडियंस क्या गैरतमंद है भाईजान के, वो सारे खड़े हो गए, उन्होंने कहा हमने कनाडा में रहना ही नहीं है अगर हमारे मुल्क के ऊपर बात आती है। और इंडिया में सुनवाई है, वो अपने जो है लेके आता है बिजनेसमैन, पैसा लगाता है उसको, वो पूरा प्रोडक्ट वापस देते हैं और इसी यही वजह है कि वो तरक्की कर रहे हैं और आने वाले दिनों में वो मजीद तरक्की करेंगे, वो सुपर पावर बन जाएंगे। जैसे वो तरक्की कर रहे हैं, पांचवें नंबर पे चले गए, उनकी एयरलाइंस देख लें, उनके रोड, अभी मैं पिछले दिनों में देख रहा था कि उनके रोड ही इतने इतने बड़े उन्होंने बनाए हैं, उनके उन्होंने लोगों को फ्लैट दिए हैं, उनकी ट्रेनें चल रही हैं, बुलेट ट्रेन चल रही है, अभी हमें देख लें ये छोटी वंदे भारत ट्रेन, बुलेट ट्रेन, पता नहीं कितनी ट्रेनें चल रही है। इंडिया वालों को मैं जान चुका हूँ भाईजान, ये लोग प्यार से अपनी जान भी दे देंगे, इनसे प्यार से चलो, जैसे मर्जी लेके चलो, अगर आप इनके साथ अकड़ के चलते हो तो वो आपसे ज्यादा कर जाएंगे। तो इस लिहाज से कि वो 400 का टारगेट अचीव नहीं कर सके तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो जनाब वो स्किल्स खा गए, उन्होंने अपना एक टारगेट रखा था वो अचीव नहीं हो सका, ये तो एक अलग बात है। तो बहरहाल हमारे वज़ीर-ए-आज़म को हमारी गवर्नमेंट लेवल पे जो है वो मुबारकबाद देनी तो चाहिए थी। हमारा मीडिया तो ये भी कह रहा था कि इंडिया की और कनाडा की जंग होने वाली है, ऑस्ट्रेलिया उसमें साथ देगा कनाडा का, अमेरिका साथ देगा कनाडा का, मैंने अपने मीडिया पे चीजें देखी हैं। इवन के उसमें ये कहा कि मोदी जी जो काबू नहीं आ रहे थे, अब मोदी जी काबू आने लगे हैं। तो मोदी जी इतनी जल्दी काबू नहीं आते, वो कोई छोटी चीज नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनते देख चाइना, पाकिस्तान समेत भारत के जितने भी दुश्मन मुल्क हैं वो सभी खौफ में आ चुके हैं। इनको अब ये समझ में नहीं आ रहा कि मोदी अब की बार हमारा क्या हाल करेगा। वहीं अमेरिका जहां पहले सोच में था कि शायद मोदी जी इस बार सरकार ना बना पाए, पर एक बार फिर मोदी सरकार के आते ही अमेरिका जैसी सुपर पावर भी नतमस्तक हो चुकी है। अमेरिका में मोदी जी की ओथ सेरेमनी को 22 सिटीज में लाइव टेलीकास्ट करके सेलिब्रेट किया जाएगा। वहीं पाकिस्तानी अब अपनी किस्मत पर रो रहे हैं ये सब देखकर। आपका इस वीडियो पर क्या विचार है, आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है। वो 9 जून को एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसके लिए उन्हें दुनिया भर के देशों से बधाइयों का तांता लगा है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी पीएम मोदी की जीत पर बधाई दी, लेकिन सिर्फ अमेरिका ने बधाई ही नहीं दी बल्कि अमेरिका पीएम मोदी के जीत पर कुछ अलग तरीके से जश्न मनाना चाहता है। दरअसल नरेंद्र मोदी ने एनडीए को अपने नेतृत्व में लगातार तीसरी बार जीत दिलाकर इतिहास रच दिया।
वो तीसरी बार 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद पीएम मोदी ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री होंगे जो लगातार तीसरी बार अपने दूसरे कार्यकाल को पूरा करने के बाद फिर से इस पद पर बैठेंगे। लिहाजा अमेरिका ने पीएम मोदी की इस धमाकेदार जीत का जश्न मनाने की बढ़ चढ़ के तैयारी शुरू कर दी है। न्यूयॉर्क, जर्सी सिटी, वॉशिंगटन, बोस्टन, टॉम्पा, अटलांटा, हॉस्टन, डलास, शिकागो, लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को जैसे शहरों में पीएम मोदी के तीसरे शपथ ग्रहण समारोह का जश्न मनाया जाएगा। ओएफ बीजेपी यूएसए के अध्यक्ष अदापा प्रसाद ने पीटीआई से कहा कि 7 जून से 16 जून तक अमेरिका के 22 शहरों में उनकी जीत का जश्न मनाया जाएगा। जितनी तरक्की इंडिया कर चुका है, इंडिया के बल्कि आप पब्लिक को देखें, वो मेहनती लोग हैं, ठीक है। और सबसे बढ़कर ये कि इंडिया के काफी सारे ममालिक ऐसे जहां उनके वीजे फ्री हो चुके हैं, ठीक है। हाँ, और पाकिस्तानी हमारे जो पाकिस्तान है, हमें तो जहां फ्री वीजा वहां पैसे दे के भी वीजा नहीं मिलता है। यहां से आप खुद सोच सकते हैं कि किसकी वैल्यू ज्यादा है। हालांकि मैं पाकिस्तानी हूं, मुझे तारीफ पाकिस्तान की करनी चाहिए, लेकिन मैं मजबूर हूं। उसकी रीजन ये है, मैंने खुद अब तक 3 से 4 कंट्री के वीजा अप्लाई किया, सभी रिजेक्ट हो चुके हैं। कौन कौन से कंट्री? मैंने सबसे पहले कनाडा का किया था और बोला गया था कि पहले आप किसी और कंट्री जाएं, फिर आपको कनाडा का मिलेगा। फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया का किया, फिर स्पेन का किया, फिर थाईलैंड का किया। प्रूफ है मेरे पास कि सारे वीजे कैंसिल हुए सिर्फ इसलिए कि मैं पाकिस्तानी हूँ। मेरा क्या कसूर है, मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ तो मैं तो गलत नहीं हूँ ना, लेकिन हमारी पब्लिक ऐसी है कि वो हमें ऐसा इमेज आगे मिल रहा है। तो आपने वीजे जो अप्लाई किए तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट मजबूत होगी तो मिल जाते हैं क्या? विजिट वीजा अप्लाई किए थे क्या, वर्क वीजा? सर विजिट वीजा ही मिल जाए बड़ी बात है, वर्क की तो दूर की बात है, ठीक है। देखे दुबई ने बंद किया हुआ है हमारा वीजा, सऊदीया ने बंद किया हुआ है, वो लोग भी क्यों बंद कर चुके हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तानियों के काम ही ऐसा, यहाँ जाते हैं विजिट वीजा पे, वहां जाके गायब हो जाते हैं, भाग जाते हैं, बाद में मिलते 20 साल के बाद है जब नेशनैलिटी मिल जाती है, ठीक है। तो क्या करें हम अब देखें, मैं विजिट के लिए जाना चाह रहा था, मेरी कनाडा में सिस्टर होती है, मेरे जो बहनोई हैं उनकी काफी ज्यादा तबीयत खराब थी, मैंने उनके पास जाना था लेकिन मैं नहीं पहुंच सका। बिल्कुल, तो मेरी स्टेटमेंट भी ठीक थी, जो उनके रूल्स होते हैं सभी फॉलो किया, लेकिन उसके बावजूद वीजा नहीं मिला। जब एक पाकिस्तानी हो के सऊदी अरब जैसा इतना पाक मुल्क है, वहां जाके इन्होंने मांगने वाला काम शुरू किया हुआ है, यहाँ भी आप किसी सिग्नल पे चले जाएं, आजकल तो ये कंडीशन बन चुकी है, घर के बाहर हर 5 मिनट के बाद ऐसे फकीर रहता है जैसे बस का टाइम आता है, ठीक है। हर 5 मिनट बाद दरवाजा नोक हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही है कि हमारी पब्लिक क्यों हमारा मुल्क को इतना बदनाम कर रही है। ना हमें कोई रूल्स पता है, ना हम कानून जानते हैं, ना हम ट्रैफिक वार्डन की बातें सुनते हैं, हम किसी तरफ भी जो है ना देख लें तो अपनी मर्जियां कर रहे हैं, कुछ नियम है किसी हालात में भी, बिल्कुल ऐसे। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।